सुरी क्षेत्र में महमूदगढ़ी के समीप ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस दुर्घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सुरीर के खैरा चौकी क्षेत्र में प्रभाती गौतम अपने बेटे अवधेश गौतम और कक्का नंदिनी के साथ अपने मकान को बनाने के लिए लोहई के पास ईंट भट्टे से ईंट भरने के लिए गए थे। जब वे ईंट भरकर वापस आ रहे थे तभी महमूदगढ़ी के समीप माट ब्रांच नहर पर बने पुल की चढ़ाई ट्रैक्टर न चढ़ पाने के कारण पीछे वापस लौट गया और पलट गया। ट्रैक्टर के पलटने से 60 वर्षीय प्रभाती गौतम, 30 वर्षीय अवधेश गौतम, 17 वर्षीय कक्का और 5 वर्षीय बालिका नंदिनी गंभीर रूप से घायल हो गई। ट्रैक्टर के पलटने की आवाज़ सुनकर ग्रामीण मौके पर दौड़कर आए और ट्रैक्टर के नीचे दबे लोगों को निकालकर मथुरा के एक अस्पताल में भर्ती कराया। इस दुर्घटना के बारे में ग्रामीण नानक चंद ने जानकारी दी। मेरा नाम नानक चंद है जी। क्या घटना हुई नानक चंद जी यहाँ पर? ये घटना हुई है कि घर बनाने के लिए ईंट ला रहे थे लोही से जी, और ट्रैक्टर पुल पे जैसे चढ़ाया वो बैक मार गया और वो पलट गया। इस पे 5 लोग थे, उनके गंभीर चोट आई है। मथुरा के लिए जिला मथुरा के रहने वाले हैं, तहसील माट गांव आसपास। जो घायल हैं उन लोगों को कहाँ भेजा गया है? मथुरा हॉस्पिटल। मथुरा भेजा गया है? हाँ जी। कोई ज्यादा गंभीर चोटें भी? हाँ, गंभीर ज्यादा चोट है। कितने लोगों के चोट आई? 3 लोगों के ज्यादा चोट है। क्या क्या नाम है? एक प्रभाती गौतम जी और अवधेश गौतम और एक बच्ची छोटी है, उसके ज्यादा चोट है। 3 लोगों के चोट है? हाँ, 3 लोगों के ज्यादा चोट है, उनके थोड़ी कम चोट है दोनों। घटना किस जगह की है? ये घटना है लोही महमूदगढ़ी वाले पुल पर।